साथ में अच्छाई और बुराई हमेशा से यहाँ पे चली थी। From Hyderabad, hundreds of devotees took part in the divine journey of Lord Jagannath on the chariot on the occasion of Rath Yatra yesterday. The International Society for Krishna Consciousness, which town temples in the city, held the Rath Yatra. The grand chariot of Lord Jagannath, along with Balram and Subhadra, was taken out from several locations that include Secunderabad ISKCON Temple MTR ground and the 130-year-old Sri Jagannath Temple at Ram Gopal Pet amidst the chanting of Vedic hymns by the priest telling us. दिल्ली की खबरें सबसे पहले। केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता पीयूष गोयल ने कहा है कि पिछले 10 वर्षों में किए गए कार्यों के कारण लोगों ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार को तीसरे कार्यकाल के लिए जनादेश दिया है। कल दिल्ली में प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करके देश का कायाकल्प किया है। कांग्रेस की आलोचना करते हुए श्री गोयल ने कहा कि देश के लोगों ने हाल के चुनावों में विपक्ष को नकार दिया है। इससे पहले दिल्ली भाजपा प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि लोगों ने हाल के चुनाव में राष्ट्रीय राजधानी में लोकसभा की सभी 7 सीटों पर भाजपा को जीत दिलाई है, जो अरविंद केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार के प्रति लोगों की असंतुष्टि का परिचायक है। बाद में मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान एक प्रस्ताव पारित कर पार्टी को